हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल होम ब्यूटी एंड क्राफ्ट टिप्स। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। और चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पुराने दुपट्टे और कपड़े का यूज़ करके बहुत ही यूज़फुल चीज़। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आई होप कि आपके काम आएगी। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पुराना कपड़ा लिया हुआ है और इसका हमें यूज़ नहीं है, तो आप इसको कोई भी यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 इंच चारों तरफ से कट किए हैं और यहाँ से हम निशान लगा लेंगे 15 इंच का और इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पार्ट मैंने 15-15 इंच के साइड से काटा है और एक हमने थोड़ा सा 2 इंच इसका बड़ा रखा है। तो यहाँ पे हम एक पार्ट को थोड़ा सा हमने एक साइड से बड़ा रखा हुआ है और इसको अब हम बड़े वाले पार्ट को हाफ कर देंगे बीच से। और हाफ करने के बाद हम इसको ऊपर से फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ से हम फोल्ड करके इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए, दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच कर दिए हैं। और स्टिच करने के बाद हम ये वाला पार्ट लेंगे और उसको हम इस पे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसके ऊपर हम एक और रखेंगे और फिर इसको हम जॉइंट कर देंगे। तो नीचे वाला पार्ट हम सीधा रखेंगे और ये जो दो पार्ट है उसको अब हम उल्टा करके रखेंगे। और यहाँ से थोड़ा सा इसके ऊपर लास्ट वाला पार्ट हम ऊपर की ओर थोड़ा सा स्टिच करेंगे उठाकर, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है और ये कवर बन गया है। और इसको बनाने के बाद हम तरीके से इसके कॉर्नर्स को निकाल लेंगे। कॉर्नर्स को निकालने के बाद हम यहाँ पे कोई भी पुराना दुपट्टा लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से सीधा कर लिया है और ये पीछे का पार्ट है। और अब हम कोई भी पुराने दुपट्टे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नेट का दुपट्टा लिया है जो कि साइड से फट गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो और भी कोई भी फैब्रिक का दुपट्टा यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो ये मैंने नेट का दुपट्टा लिया हुआ है और अब हम इसको कट करेंगे। तो साइड से हम 4 इंच इसके कट करेंगे। यहाँ से हम इसको 4 इंच कट करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसमें हम स्टिचिंग लगाएंगे। तो इसी कलर के धागे से हमें स्टिचिंग करनी है सुई धागे की मदद से। तो यहाँ पे हम इसमें बड़े बड़े टाँके लगाएंगे, स्टिच करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से हम स्टिचिंग करेंगे और जितना बड़ा हमें बनाना है उसी हिसाब से हम इसकी लंबाई रखेंगे। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे और कट करने के बाद हम इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ से हम इसको दोनों कॉर्नर्स को हम ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा और ज्वाइंट होने के बाद हम यहाँ से इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। नीचे से भी हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए और इसके बाद हम इसमें हम डेकोरेट करने के लिए कोई भी स्टोन या पर्ल लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का इसमें पर्ल लिया है, उसको भी हम इसमें स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो ग्लू से इसको स्टिक भी कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। और इसे बनाने के बाद हम इस पे हम डेकोरेट करेंगे। ये देखिए मेरा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है, तो इसको हम बिल्कुल यहाँ बीच के सेंटर में रखेंगे। आप चाहे तो कोई किसी भी तरीके से इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो आप इसमें लीव्स बना सकते हैं और इस तरीके से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको सेंटर में लिया हुआ है और इसमें हम इसको स्टिच कर देंगे। आप चाहे तो फैब्रिक ग्लू से इसको स्टिक भी कर सकते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे और सारे हमने फ्लावर्स बनाए हैं जो कि अलग कलर के हैं, तो उसको भी हम इसमें लगाएंगे। तो ये भी मैंने फ्लावर पहले बनाया हुआ था, तो इसकी भी मैं आपको वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो ये भी मैंने हैंडमेड फ्लावर बनाया है, तो उसको भी हम इसमें ज्वाइन कर देंगे। और फैब्रिक दुपट्टे से मैंने इसको भी बनाया था। तो इस तरीके से आप चाहे तो कई तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ्लावर बनाऊंगी जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा और यहाँ पे हम इसको स्टिच कर देंगे। तो सुई धागे से आप इसको अच्छे से टाइटली स्टिच कर दें, अच्छे से इसको सेट कर लें और फिर उसके बाद हम स्टिचिंग कर लेंगे इसकी। तो गाइस ये देखिए मैंने स्टिच कर दिया है और अब हम इसको कुशन में लगाएंगे। और बहुत ही इजीली ये मैंने कुशन के साइज़ का बनाया है, इसलिए बहुत ही इजीली इसमें अच्छे से फिट हो जाएगा। और फिर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने रूम में, या तो फिर अपने डाइनिंग रूम में, गेस्ट रूम में, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा पीस बनकर रेडी हुआ है और बहुत ही इजी मेथड से मैंने इसको बनाया है। अगर आपके पास भी कोई पुराना दुपट्टा हो तो इस तरीके से आप फ्लावर बनाकर इसमें लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई होगी तो वन लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।